आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज कौन सा टूर्नामेंट होगा, आज कुछ टूर्नामेंट का फाइनल डे है, कल से BGIS चालू होगा और कुछ न्यूज है, कुछ फेयरवेल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपथ्रस से। कल डे 2 खत्म हुआ था सेमीफाइनल्स का और स्टैंडिंग्स देख सकते हो। ग्लोबली स्पोर्ट्स टॉप पे, टीम तमिला सेकंड पे और IQ सोल थर्ड पे थे, फिर 8bit, जेनेक्स FM, कार्निवल, WSB और टीम एक्सिस पार्क। आज यहाँ पे फाइनल डे होगा और आपको पता है सेमीफाइनल्स का भी कुछ प्राइज मनी रहता है। 200K का होने वाला है, कौन लगता है कौन जीतेगा आप लोग के अकॉर्डिंग सेमीफाइनल्स। और सेकेंड चार्ट 9th पे गॉड लाइक, फिर अलीबाबा रेडर्स, रेवेनेंट स्पोर्ट्स, एनिग्मा, फोर किंग, मेडल, एंटिटी एंड रैकनिंग। ये टीम्स को थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालना पड़ेगा क्योंकि आज फाइनल डे है और टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई करेगी। तो अभी जो टॉप 16 के बाहर है वो देख सकते हो, रेड जोन स्पोर्ट्स, गुजरात टाइगर, THW, विंड गॉड, टीम फॉरएवर, टीम साइक, मोगो स्पोर्ट्स एंड हाइड्रा स्पोर्ट्स। अब हाइड्रा तो खेल ही नहीं रही है, ये तो टूर्नामेंट आज खत्म हो जाएगा। और MVP रैंकिंग देखोगे तो टॉप रैंकर में एस पावर टॉप पे है, सेकंड पे GE के स्लग है, थर्ड पे निंजा, फोर्थ पे ओमेगा IGL। ओके, भाई यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स ही दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया अपथ्रस्ट। और जो यहाँ पे एक न्यूज़ है वो पहले क्लियर करता हूँ। तो हाइड्रा ई स्पोर्ट्स देख सकते हो फेयरवेल आ चुका है और इसलिए वो लोग खेल भी नहीं रहे कोई टूर्नामेंट। और ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही हिंट दे दिया था जब वो लोग BGIS से एलिमिनेट हुए थे। कुछ लोगों को लग रहा था प्रैंक था, बट यस प्रैंक नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, बोल सकते हो बैड लक और ख़राब परफॉर्मेंस रहा था, बट जो भी है यार गुड लक फॉर फ्यूचर। एंड उसी के साथ सिर्फ हाइड्रा ही नहीं, आपको पता है ओरेंगुटेन भी क्वालिफाई नहीं कर पाई BGIS में, उसका न्यूज़ मिल रहा है, अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है। जो उनके IGL थे S और ड्रीगर एक प्लेयर थे वो लेफ्ट करेंगे कोच बैट्स के साथ, मतलब तीन लेफ्ट करने वाले हैं। और जो AKOP और विजगॉड थे वो शायद कंटिन्यू करने वाले हैं। देखते हैं अब यहाँ पे अनाउंसमेंट कब आएगा। और अगर दो प्लेयर कंटिन्यू करेंगे मतलब और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, एक IGL भी लेना पड़ेगा क्योंकि S लेफ्ट करेंगे ऐसा सुनने में आया है। भाई यहाँ पे अब कुछ कर नहीं सकते, ऑब्वियसली OG भी बहुत टाइम से वो लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए एक भी ऑफिशियल में। अनऑफिशियल में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, BGIS में भी परफॉर्म किए थे। खैर जो भी है, इसके साथ यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट RAE Sports, जिसका कल Day 2 खत्म हुआ था और उसका भी स्टैंडिंग्स देख सकते हो सेमीफाइनल्स का। NTT टॉप पे रहे थे, फिर IQ सोल हर टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट खेल रही है, फिर हैदराबाद हाइड्रास इसमें टॉप 3 में, फिर टीम सीक्रेट, विंड गॉड, कार्निवल इसमें भी यहाँ पे टॉप 6 में, फिर हेक्टर है, फॉरएवर, WSB, जेनेसिस, टीम उजुमाकी, रेवेनेंट, रैकनिंग, फिर FSE Sports है, गॉड लाइक, K9 Esports, TMG Esports, ऑटोबॉट्स, THW, टीम 8bit, टीम तमिलास, रिप मिसो, जेनेक्स FM एंड टीम NRX। ये 24 टीम्स का मैचेस आज भी चलेगा और आज फाइनल डे है, इसका भी आपको पता है प्राइज मनी है RAE Sports का सेमीफाइनल्स का भी। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? मुझे लग रहा है कि NTT या सोल में से कोई जीतने वाली है। और फिर आज के दिन के बाद टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई करेगी ग्रैंड फाइनल्स के लिए। जो 10 नंबर के बाद टीम्स है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। चलो ये हो गया आज का टूर्नामेंट डिटेल्स। अब कल से BGIS चालू होने वाला है और ऐसा मैं बता दूं कि आज ही शायद हम लोग को कोई पोस्टर देखने को मिल सकता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसमें शायद कुछ टीम्स को बैन या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वैसे कल ये पोस्ट हुआ था, देख सकते हो, जिसमें वहाँ पे राउंड 3 में किसका कितना फिनिश था। तो राउंड 3 में प्राइम जोरो एक प्लेयर है 30 फिनिश निकाले थे, फिर कैमिन के फ्यूरी, RG के वाइपर राउंड 3 में भी बढ़िया खेले थे, फिर RG के शिकारी जॉर्ड, तो आपको पता है RG के भाई, तो बोलो तो राउंड 3 फाड़ के खेले, 143 पॉइंट निकालते शायद। और 5th नंबर पे थे 7 आवर्स के वेटरन, तो ये भाई हम मोस्टली अंडरडॉग टीम्स परफॉर्म की है। होप करते राउंड 4 में भी ऐसा परफॉर्म करे और राउंड 4 कल से स्टार्ट होगा। कल सुबह मैं वीडियो बनाऊंगा कौन सी टीम्स का मैचेस होगा और क्या फॉर्मेट रहने वाला है, तो चैनल से बने रहना। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।